नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान बजरंगबली को बहुत ही जल्द फल प्रदान करने वाला यानी कि बहुत ही जल्द वरदान देने वाला बताया गया है। इस कलयुग में बजरंगबली जीवित अवस्था में है, कई लोगों को उनके दर्शन भी होते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी ने दर्शन देकर भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करवाए। यही होता है जब हम भक्त को और भक्त के चरणों को पकड़कर चलते हैं तो हमें अवश्य भगवान की प्राप्ति होती है। उसके बाद ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और उसी समय उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर डाली थी। और हनुमान चालीसा में लिखा भी है, तुम्हरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हनुमान जी की पूजा करने से आपको राम तो मिलेंगे ही और आपके सभी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। हनुमान जी का एक बार नाम लेने से हनुमान जी आप पर आशीष प्रदान करते हैं और वहीं उनके मुख से निकला हुआ भगवान श्री राम का नाम इस पूरे संसार को तृप्त करता है। चाहे आप उन्हें किसी भी अवस्था में याद करें, वो आप पर जरूर मदद करेंगे, वो आपका जरूर मदद करेंगे। तो इसीलिए आज हम आपको खास उपाय बताने वाले हैं। जिसे किसी मंगलवार को कर लेना है, मात्र आपको इस चौपाई को कागज़ में लिखकर भगवान श्री हनुमान के किसी भी मंदिर में रखाना है और उससे अपनी मन की कामनाओं को बोल देना है। यह चौपाई इस प्रकार है, जयति जयति जय कबीराई, जयति जयति जय सुखदाई, जयति जयति जय राम दुलारे, जयति जयति जय सिया दुलारे। मात्र इस चौपाई को कागज़ में लिखकर हनुमान जी के मंदिर में रख आना है। अपनी श्रद्धा भाव से यह एक छोटा सा कार्य करें तो आपको इसकी शक्ति का अपने आप महसूस होगा। दोस्तों, उस इंसान की मदद भगवान भी करता है अगर वह अपना मन और श्रद्धा भाव से भगवान का पूजा करते हैं या फिर उसे दर्शन प्रदान करता है। आपसे जो भी पाप जाने अनजाने में होता है, उन सभी को आप एक कर्म समझकर भगवान को ही अर्पित कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस खास उपाय को मंगलवार को सुबह या शाम को किसी भी समय कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो यह खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हनुमान।